जंग लगातार 8वें दिन भी जारी। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए निकासी अभियान को और अधिक तेज कर दिया है। भारत सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 3,726 भारतीयों को आज रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भारत वापस लाया जाएगा। भारतीय वायुसेना ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक 6,300 उड़ानें संचालित की जाएंगी। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी। मोदी सरकार के मंत्री इन छात्रों की वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में मौजूद है। देखिए भारतीय छात्रों की वापसी की ये तस्वीरें जब तमाम मंत्रियों ने उनका उत्साह बढ़ाया। ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ क्योंकि कई लोग अभी भी अंदर में हैं और कुछ लोगों से मैंने बात भी किया है, तो उनको सुरक्षित निकालना हमारा प्रायोरिटी है। सो वी हैव ऑलरेडी गिवन आवर एश्योरेंस टू एवरीवन दैट वी विल इवैक्यूएट एवरी इंडियन सेफली। दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्शन दैट वी विल नॉट लीव बिहाइंड। प्लीज कन्वे टू योर पेरेंट्स दैट वी आर डूइंग एवरीथिंग टू मेक you feel comfortable as well as to reach your home safely। भारत सरकार में मैं रेल, कोयला और खदान राज्य मंत्री हूं और मुझे खास करके आपके स्वागत के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर भेजा है, उनकी ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं।